ओम नमः शिवाय। भक्तगण कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज मैं आपके साथ शनि प्रदोष व्रत की कथा शेयर करने वाली हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही माता पार्वती और शंकर भगवान की दया से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और एक अच्छी खुशखबरी भी आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए ध्यान मग्न होकर सुनते हैं अत्यंत प्राचीन कथा शनि प्रदोष व्रत, जिसे शनि त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरे दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और छोटे का नाम सुचिवत्र है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सुचिव्रत था, एक तालाब में स्नान करने को गया। उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग में मुझे प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव और पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्या, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब धन देंगे तब ले लूँगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देख सुचिवित्र ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह सुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदर स्त्री राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर अपने सखियों से कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, ये उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैर में बहुत ही पीड़ा हो रही है। यह सुनकर सभी सखी दूसरे वन में चली गईं। वह सुंदरी भी राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी उसे दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हो? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हो? आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं, विधाता ने हमारा और तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्र, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सुचिव्रत को सारा वृतांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया तो वह राजपुत्र सुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुँचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुँचे थे। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है जो इस समय राजविहीन है और निर्धन है, मेरा परम भक्त भी है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से अपनी कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान की कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। भगवान भोलेनाथ ऐसे ही हैं। जो भगवान भोलेनाथ की शनि त्रयोदशी व्रत कथा सुनता है या फिर करता है, उसका कल्याण भगवान भोलेनाथ अवश्य ही करते हैं।
हर हर महादेव।